नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक्सेल के बेसिक्स और इसके बारे में जानेंगे कि क्या है एक्सेल के बेसिक्स। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है, इसका नाम है फार्मूला बार। तो फार्मूले बार से क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर एक्सेल में यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ये क्या होता है, फार्मूला बार में दिखाता है, या फिर हम फार्मूला से संबंधित अगर कोई फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे तो भी यहाँ पे दिखाता है। जैसे इक्वल सम जो भी आपके हैं, यहाँ पे ये फार्मूला अगर मैं लिख रहा हूँ और कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी यहाँ पर फार्मूले बार में दिखाता है। यहाँ देख सकते हैं ये फार्मूला बार में दिखा रहा है। तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये आ जाता है काउंट होकर के। और नेक्स्ट यहाँ पे बगल में देखेंगे ये है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स अभी बताते हैं, पहले यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीज़ें दिए हुए हैं। जैसे ये आपके हैं यहाँ पे ये वाली लाइनें जो देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं कॉलम। और इस तरह के जो लाइनें हैं आपके ये वाली, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपके रो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो रो और कॉलम से मिल करके हमारा सेल बनता है। तो जिसमें हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें, अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसी सेल में ही हमारा वर्क होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका सेल होता है वो कैसे बनता है। तो रो और कॉलम से मिल करके हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे ये आपका क्या है, ये कॉलम्स हैं और यहाँ पे देखेंगे इस तरह के जो आपके खींचे हुए लाइंस हैं इनको रो बोलते हैं। तो इन्हीं रो और कॉलम से मिल करके हमारा क्या बनता है, सेल। ऐसे आपका सेल बनता है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जिस सेल में हम जाते हैं उसका नाम भी होता है, सेल एड्रेस। ठीक है, तो उसका नाम जो है यहाँ पर हाँ दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे नेम बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर E7 लिखा हुआ है तो हम किस सेल में हैं, E7 में। यहाँ पे देखेंगे E कॉलम में हैं और इधर देखेंगे 7 आपका रो है, E कॉलम और 7 जो आपका रो है। तो ये इससे क्या पता चलता है, सेल का एड्रेस पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम सीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर C1 C2 C3 लिखा हुआ आ रहा है। जैसे दूसरों में हमें पेज देखने को मिलता है या स्लाइड देखने को मिलता है, जैसे MS Word में पेज देखने को मिलता है और पावर पॉइंट में स्लाइडें देखने को मिलता है, और इसमें जो है हमें सीट देखने को मिलता है और इसी सीट पे ही हम वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी वर्क कर लिए हैं, उसके बाद में हमें दूसरा सीट चाहिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे C2, तो यहाँ पर जब भी हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से दूसरा सीट आ जाएगा और यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। और पहले सीट पर जब हम जाएँगे यहाँ पर तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, पहले सीट पे आ जाते हैं, जो डाटा हमने लिखा था वो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी बात ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा ये जो देख रहे हैं ये कॉलम्स के नाम, जैसे A B C D ये सब क्या है, ये सब कॉलम्स हैं। तो EFGHIJ करके लास्ट तक आपका कहाँ तक है, XFD तक है। तो XFD तक हम जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल दबाएँगे और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे लास्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे XFD लिखा हुआ है और लास्ट में हम पहुँच गए हैं, कॉलम के एकदम लास्ट में पहुँचे हैं। अगर हम रो के एकदम लास्ट में पहुँचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा करके डाउन एरो प्रेस करेंगे। जैसे ही डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एकदम लास्ट वाले में हम क्या हैं, पहुँच गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम लास्ट वाले में, और इसकी संख्या क्या है, 10,48,576 है लास्ट रो की संख्या और लास्ट कॉलम की संख्या जो है XFD है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि XFD है। अगर शुरुआत में जाना है तो फिर वही प्रोसेस करना होगा, कॉलम A पे जाने के लिए और 1 रो पे जाने के लिए हम कंट्रोल दबाएंगे और लेफ्ट एरो प्रेस करना है और अप एरो भी प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, फर्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। थैंक यू।